कुख्यात फारिस काजरी द्वारा वीडियो लाइव करके बदनाम करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए हफ्ता मांगने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर फारिस की खोजबीन आरंभ की है। पूर्व पार्षद प्रशांत धवड़ का जगनाई चौक के पास संग्राम बार है। 21 अगस्त की रात बार बंद करने के बाद धवड़ घर आ गए। रात 1:40 पर बार का गार्ड धवड़ के घर आया। गार्ड ने बताया कि फारिस कादरी बार खोलकर शराब मांग रहा है और मालिक से पैसे मांगकर लाने के लिए बोल रहा है। उन्होंने फारिस द्वारा पैसे नहीं देने पर लाइव रिकॉर्डिंग करके बार को बंद कराने की धमकी देना बताया। यह सुनकर धवड़ बार में पहुंचे, वहां फारिस कादरी दिखा दिया। धवड़ द्वारा कौन है काहे के पैसे पूछने पर उसने मैं फारिस कादरी हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, तुमको बार चलाना है तो मुझे 1 लाख रुपए अभी दो, नहीं तो तुम्हारा बार लाइव रिकॉर्डिंग करके हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, ऐसा कहा। धवड़ द्वारा रुपए देने से मना करने पर फारिस ने लाइव रिकॉर्डिंग कर ग्राहक बैठे होने की पुलिस को झूठी जानकारी देकर बार खोलने को मजबूर किया। गालियां देकर फेसबुक पेज पर लाइव रिकॉर्डिंग कर बदनाम किया। धवड़ की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने हफ्ता वसूली, धमकाने तथा बदनाम करने का मामला दर्ज किया है। फारिस पर पहले भी हफ्ता वसूली का केस दर्ज है। सदर के होटल संचालक ने मुफ्त में शराब नहीं देने पर फारिस द्वारा हफ्ता मांगने का मामला दर्ज कराया था। उस होटल से फारिस ने फेसबुक पेज पर लाइव किया था। हमारे कोतवाली पुलिस स्टेशन के एरिया में संग्राम बार नाम का एक बार है। 21 तारीख के रात को 1:30 से 2 बजे के दरमियान फारिस कादरी नाम का एक युवक वहाँ से जा रहा था, तो उसको दारू चाहिए थी, तो वो बार के सामने गया। तब तक बार बंद हो चुका था और उसने बार के सिक्योरिटी गार्ड से दारू की डिमांड की, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि अभी बार बंद हो गया है तो तुमको दारू नहीं मिलेगी। तो उसने बताया कि तुम मुझे नहीं जानते क्या, मैं कौन हूँ, तुम्हारे मालिक को बुलाओ और साथ में उसको दारू लेके भी आने को बोल दो, ऐसा उसने बताया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बार मालिक को बुलाया। बार मालिक को बुलाने के बाद तुमको अगर बार शुरू रखने का है तो मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं फारिस कादरी हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तुमने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर डालूंगा और तुम्हारा बार हमेशा के लिए बंद कर डालूंगा, ऐसा उसने धमकाया और 1 लाख रुपए की खंडनी मांग ली थी। उसके बाद बार मालिक ने उसको पैसा देने से मना किया, तो इसका बदला लेने के लिए फारिस कादरी ने पुलिस के पास कंप्लेन दी कि यहाँ पे बार शुरू है। तो पुलिस आने के बाद उसने अपना फेसबुक लाइव वीडियो शुरू कर दिया और उसमें वो बोलने लगा कि पुलिस के आशीर्वाद की वजह से ये बार अभी रात भर शुरू रहता है, पुलिस घुस लेके उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, ऐसा उसका बोलना था। पुलिस ने वहाँ पे जाने के बाद उसने फिर से पुलिस को बताया कि बार अंदर से शुरू है, तो पुलिस ने बार मालिक को बता के फारिस कादरी की कंप्लेंट की जांच करने के लिए बार मालिक को बताया कि आप बार ओपन करके दिखाओ। तो बार मालिक ने हमारे रिक्वेस्ट की वजह से बार खोल के दिखाया तो अंदर से बार बंद था, ये उसके वीडियो में भी आया है। तो वहाँ से बाहर आ जाने के बाद इसने वो फेसबुक लाइव चैनल पे अपना वीडियो अपलोड कर दिया था। उसके बाद बार मालिक ने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट देने के बाद फारिस कादरी के ऊपर खंडनी का गुना दाखिल हुआ है। फारिस कादरी के ऊपर इसके पहले भी सदर पुलिस स्टेशन और शकरदरा पुलिस स्टेशन में खंडनी के और अश्लील शिविकाल के गुने दाखिल है, उसकी भी जांच शुरू है। हमारे पुलिस स्टेशन के केस की भी जांच अभी शुरू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।